तो दोस्तों अभी हम दिल्ली में हैं जहाँ पे देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन द्वारा जो टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है उसका एक शानदार आगाज यहाँ पे हुआ है और काफी अच्छा एक जो टूर्नामेंट वो चल रहा है। और मेरे साथ यहाँ पे जो है IAS मंगेड़ घिंडियाल जी हैं जो टांडू गांव से आते हैं और आज उनकी टीम ने यहाँ पे काफी अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि वो मैच तो नहीं जीत पाए लेकिन लोगों का दिल वो हमेशा जीतते आए हैं। घिंडियाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो क्रिकेट के प्रति प्यार है पहाड़ के युवाओं में तो बहुत है लेकिन वहाँ के खेल में और यहाँ के खेल में बहुत बड़ा अंतर है। आपने जो सीढ़ी नुमा खेत है उनमें भी क्रिकेट खेला हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये ऐसा मौसम है नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी जब हमारे पहाड़ों में टूर्नामेंट की श्रृंखला शुरू हो जाती है तो ऊंचे नीचे खेतों में और सीढ़ीदार खेतों में खेलते 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 आज ये सभी लोग के साथ अपने गांव के लोग सभी अपने उत्तराखंड के लोग और बहुत अच्छा लगा है। खेल भावना से खेल रहे हैं सभी लोग। बड़ा मजा इस टूर्नामेंट में आ रहा है। आप सर एक इतने बड़े पद पर भी हैं अभी जो है और उत्तराखंड के युवाओं की अगर मैं बात करूं स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो अभी कुछ नाम तो आए हुए हैं आगे जो चाहे ऋषभ पंत की मैं बात करूं कुछ ऐसे नाम हैं जो आगे आए हैं लेकिन अभी भी उत्तराखंड स्पोर्ट्स को जो है वो स्तर नहीं मिला। वहाँ के युवाओं को वो पहचान नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। इसके लिए आप क्या अपनी तरफ से भी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कुछ सोचते हैं कि जो है हमारे युवाओं को किस तरीके से आज ये मंच तो दिया है लेकिन इसको कुछ आगे तरीके से प्लानिंग करने का? नहीं देखिए उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों की मैं खास तौर पर बात करूं तो हमारे युवाओं में असीमित प्रतिभा है और जो पहाड़ के की कठिनाइयां हैं कठिन रास्ते हैं कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो हमारे लोगों को और मजबूत बनाती है। तो मुझे लगता है कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है, खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की ज़रूरत है और धीरे धीरे काम हो रहा है लेकिन और भी ध्यान दिया जाएगा तो निश्चित रूप से हमारी प्रतिभाएं बाहर निकलेंगी। बाहर आएंगी जो है आज जो देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन जो चैरिटेबल ट्रस्ट पब्लिक चैरिटेबल जो ट्रस्ट है उनके द्वारा जो एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है क्या आप इसको किस नजरिए से देखते और क्या इस कार्यक्रम के बारे में कहना चाहते हैं? देखिए जब शुरुआत में आप लोगों से मेरी मुलाकात हुई और आपने ये बताया कि यहाँ पर ये एक एनुअल इवेंट की तरह इसको कर रहे हैं तो मुझे वास्तव में बड़ी खुशी हुई कि उत्तराखंड के रहने वाले जो हमारे जितने भी लोग यहाँ NCR में रहते हैं और वो जब इकट्ठा होते हैं 32 टीमें इसका मतलब 300 से अधिक खिलाड़ी 300 से अधिक लोग जब इकट्ठा होकर के इस तरह से मैच खेलते हैं तो जो भी हमने सीखा अपने खेतों में ऊंचे नीचे खेतों में पहाड़ी खेतों में वो सब यहाँ पे दिख रहा है और बहुत अच्छा खेल रहे हैं बहुत अच्छी खेल भावना बड़ा मजा है इसमें टूर्नामेंट बहुत बढ़िया। तो आज जो है श्री मंगेश घिंडियाल जी जो सीढ़ी नुमा त्याड़ा मैडा फोंगड़ो बेटा आज एक बड़ू जिठणो खेलना खड़ा रहे जिठणो बोल दो हम जो बड़ू फोंगड़ो। तो बहुत बहुत धन्यवाद घिंडियाल जी आपका इस शानदार टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए और उम्मीद और आशा करते हैं कि नेक्स्ट बार जब एक कार्यक्रम होगा तो इसको हम और भी भव्य ढंग से आयोजित करेंगे। देवभूमि स्पोर्ट्स फाउंडेशन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से आपके अगले टूर्नामेंट के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत 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 धन्यवाद और इस तरह के टूर्नामेंट में चाहता हूँ हम लोग अपने पहाड़ में भी करें हम लोग यहाँ के साथ साथ पहाड़ में भी आगे बढ़े इसी तरह से टूर्नामेंट। जी धन्यवाद। आज एक फोटो खींच।